नमस्कार, स्वयं में आप सबका स्वागत है। जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे सामने ही तिनका तिनका सहज कर रचाया हुआ हमारा संसार बिखरने लगता है, और जब ऐसा होता है तब सबसे ज्यादा जो बिखरता है वह होता है हमारा अपना आप। आमतौर पर ऐसे में अपने आप को संभालना और साथ साथ क्रिएटिव लेवल पर भी खुद को जिंदा रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवा रहे हैं, उन्होंने न केवल जिंदगी की चुनौतियों का सामना किया बल्कि लोगों के बीच अपनी एक मुकम्मल पहचान भी बनाई। इनकी प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जब इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई तब भी, जब थिएटर में किसी नाटक की विद्या पर हाथ रखा तब भी, और जब फिल्म बनाई तब भी, इनकी उंगलियों का जादुई स्पर्श पाकर सब कलाएं निखर कर सामने आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म निर्देशिका अरुणा राजे की। इनकी फिल्म रिहाई काफी चर्चा का केंद्र रही, क्योंकि हमेशा की तरह इस फिल्म में भी इन्होंने अलग हटकर विषय अपनाया था। आइए बातें करें अरुणा राजे से और जाने कि जिस लक्ष्य को पाने की तलाश में वो निकली थी उसमें कहां तक पहुंच पाई हैं। अरुणा जी, स्वयं में आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत से ही करते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आप एक राजनीतिक परिवार से हैं, तो फिल्मों की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? कोई परिवार में था जो फिल्मों में रुचि रखता था? नहीं, वैसे परिवार में कोई फिल्म वाला कोई नहीं था, लेकिन मेरे माँ को फिल्में बहुत अच्छी लगती थी और बचपन से हम फिल्म देखते थे, तो मुझे बहुत 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 अटैचमेंट हो गया फिल्म देखने का। एंड इनफैक्ट हफ्ते में कभी कभी 4-5 फिल्में भी देख लिया करते थे, विच इज़ वेरी एबनॉर्मल। और मैं पढ़ाई में अच्छी थी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आती थी, और फिल्म जाने का इतना कंपल्शन रहता था मुझे कि मैं अपना होमवर्क करती थी, बहन भाइयों का होमवर्क करा के सब कुछ रेडी रख के, यू नो, एवरी डे विड बी रेडी, आज फिल्म, ऑलमोस्ट लाइक 4-5 फिल्म अ वीक। देयर वाज अ स्टेज व्हेन इतने फिल्में देख, एग्जाम के पहले फिल्म देखना, और फिर इतना फिल्मों में मैं वही दुनिया में डूब गई कि हम खेलते थे तो हमने अपना खुद का एक प्रोडक्शन कंपनी बना लिया घर पे, यू नो, एंड हम बच्चे ऐसे ही फिल्में बनाने का खेलते थे। फिल्मों के बारे में इतना क्या अच्छा लगता था आपको? द फैक्ट दैट इट वाज अ मेक बिलीव वर्ल्ड, सपनों की दुनिया थी, क्या ये आपको ज्यादा अच्छा लगता था उसके? बिल्कुल, ये सपनों की दुनिया में खो जाती थी बिल्कुल। और मैं बहुत, इवन लिटरेचर में बहुत पढ़ती थी, सच अ बुकवर्म। मैं तो एक टॉमबॉय थी पहले, तो मैं पेड़ पे ऊपर चढ़ जाती थी मेरा किताब लेके या ट्रांजिस्टर लेके, गाने सुनना या किताब पढ़ना पेड़ के ऊपर बैठ के, और अपनी दुनिया में खोई रहती थी। मींस लाइक व्हेन आई वाज 13, आई हैड एक्चुअली रेड शेक्सपियर कवर टू कवर, बट आई डोंट नो कितना मैं समझी, अलग बात है, लेकिन इतना शौक था, वो सब क्लासिक्स उस टाइम में जो हाथ में आता था पढ़ के मैं अपनी दुनिया में खोई रहती थी, बनाती थी, और बहन भाइयों के साथ यही गेम खेलती थी कि फिल्में बनाना, एंड वो भी बहुत इंटरेस्ट और उत्साह से जुड़ जाते थे। और ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिल्म्स वी मेड, यू नो, इन बचपन में खेलते खेलते बहुत बनाए हम लोगों ने, बहुत मजा आता था। लेकिन जब करने का मौका आया, डिसाइड करने का मौका आया, तो मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि लड़कियों को फिल्मों में जाना बहुत बुरा समझा जाता था। मैं उसी पे आ रही थी कि राजनीतिक परिवार से होने के कारण शायद आपकी जिंदगी काफी प्रोटेक्टेड सी रही होगी उस समय। हाँ। और उस समय महिलाएं लड़कियां ज्यादातर इस क्षेत्र में बहुत नहीं जाती थी, तो आपको इससे दिक्कतें हुई? बहुत हुई, क्योंकि मेरा मन तो फिल्मों में रहा था, और मेरे पिताजी तो मुझे लगता है पूरी जिंदगी में 1.5 फिल्म देखे होंगे कभी वो रिबन काटने के चक्कर में, यू नो, एज दिस थिंग। बट मुझे तो ये शौक था, लेकिन जब मुझे डिसाइड करना पड़ा, तो बिकॉज आई वॉज अ फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट, आई वेंट इनटू मेडिसिन। डॉक्टरी की पढ़ाई की आपने कुछ समय तक? फर्स्ट MBBS मैंने खत्म किया, आई वॉक्ड इन टू द मेडिकल कॉलेज विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी पेमेंट ऑफ एनी फीस और एनी थिंग लाइक कैपिटेशन और समथिंग लाइक दैट फी। एंड आफ्टर दैट ग्रांड मेडिकल कॉलेज में थी बम्बई में, फर्स्ट MBBS किया, लेकिन वहाँ भी मैं थिएटर में जुट जाती थी, ऑल द टाइम डूइंग थिएटर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। एंड देन वन डे, यू नो, इट बिकेम रियली टू मच, एंड माई मदर वॉज सच अ डायनामिक वुमन, उसने मेरे लिए, यू नो, जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, उन्होंने मुझे मेडिकल कॉलेज से निकाल के फिल्म इंस्टीट्यूट में डाल दिया। लोगों ने इतना बुरी तरह से रिया के, मिसेस पाटिल आपको क्या हो गया, आप ऐसे अपनी बच्ची का करियर कैसे खराब कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते। एंड मेरी माँ ने कहा, यू नो, शी इज़ नॉट फ्रिवलस, आई वॉन्ट हर टू बी हैप्पी,
एंड वो जो भी है उस करा के करके दिखाएगी, ऐसे मेरे माँ ने कहा और मेरे साथ रही, यू नो, मुझे सपोर्ट किया. और जब उन्होंने मुझे शिफ्ट किया, तभी मेरे माँ बाप अलग हो गए थे और मेरे पिताजी को मालूम भी नहीं था कि मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में डाला गया. को जब मालूम हुआ तो क्या उनका उन्होंने रवैया था आपकी तरफ? बट वो तो आई वॉज इज फेवरेट, वैसे मैं खास थी उनकी. और बोले कि ठीक है बेटा, तेरे को जो करना है, बिकॉज एनी वे कर चुके थे वैसे. और देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. मैं तो उसमें ऐसे टूट पड़ी, ऐसे टूट पड़ी. फिल्में देखना, काम करना, कुछ भी कसर नहीं छोड़ा. मैं जो जो करना चाहती थी मैं उसमें बिल्कुल जुट गई. इट्स रियली आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज, मैं खुद को समझती हूँ. अगर माँ बाप ऐसे सपोर्ट करें बच्चों को तो बच्चे कहाँ भी पहुँच सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से आपने अपना ट्रेनिंग, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग ली. आप वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में. हाँ. लड़की, किसी लड़की के लिए होने की फर्स्ट वुमन टेक्नीशियन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आप. तो एडिटिंग के साथ इस टेक्निकल फील्ड में जाने का कैसे सोचा? आपने अभी बताया कि आपने एक्टिंग की स्कूल और कॉलेज लेवल पर, एक्टिंग का क्यों नहीं सोचा? एक्चुअली एक्टिंग का सोचा था क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी मुझे बहुत ऑफर्स आते थे एक्टिंग के लिए. एंड डर था कि यू नो, बहुत सुना था फिल्म इंडस्ट्री कितनी बुरी है और लड़कियों को क्या होता है कास्टिंग काउच. हाँ, कास्टिंग काउच के बाद बहुत डर थी. और किसी ने एक्चुअली समझाया कि लुक, अगर ट्रेंड एक्ट्रेस है तो लोग वी कैन नॉट टेक एडवांटेज. एक्चुअली इट्स नॉट सो, कोई किसी का भी एडवांटेज ले सकता है. बट हम इतने नादान थे, इतने नासमझ थे, सो सोचा कि हाँ ट्रेनिंग है तो कोई अपने को कुछ नहीं कर सकता, एक ट्रेंड एक्ट्रेस है. सो मैं गई और उन्होंने जब इंटरव्यू लिया मेरा, एज इट इज मैं लेट गई थी, और उन्होंने बोला कि दिस गर्ल इज सो ब्राइट, तू टेक्निकल फील्ड में क्यों नहीं आती है, बिकॉज एक्टिंग तो तू कभी भी कर सकती है. और उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि देखो एक्टिंग का तो ले सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी डोंट हैव एनी वुमेन मेकर्स, वुमेन टेक्नीशियन, सो व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ दैट. आई थॉट तो फिर मैं डायरेक्शन करूंगी, बिकॉज दैट वाज समथिंग मैं बचपन से करती आ रही थी मेरे बहन भाइयों के साथ. सो आई सेड आई वुड रादर डू डायरेक्शन. मेल कॉलीग्स आपके जो साथ में से कर्मी होते थे फिल्म इंस्टीट्यूट में भी और अदरवाइज जब आप करियर आपकी शुरुआत हुई, उनका क्या रवैया होता था आपके, आपकी तरफ? वो संजीदगी से ले पाते थे आपको? हाँ, वैसे तो प्रॉब्लम है, कोलिग्स के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मैं पहले जब इंडस्ट्री में काम करने लगी तो बड़ा हंगामा मच गया, बिकॉज इट वाज रियली वियर्ड. मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी ऐसा. एंड एडिटिंग रूम में, बॉम्बे लैब में या राजकमल में या इवन साउथ में जब दो तीन स्टूडियो में काम किया, धड़ाक करके दरवाजा खुलता था और लोग ऐसे झांकते थे और देखते थे और बोलते थे लड़के 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 एडिटर है. और मैं फिल्म देखती थी या मशीन चलाती थी तो लड़के लड़के आए सर थी लड़के, और क्या व्हाट इज द डिफरेंस, बिकॉज मेरे का तो फर्क सेम, एज लॉन्ग एज यू डिलीवर द गुड्स. यस, आई डिडंट फील एनी डिफरेंस. एंड देन यू नो, लाइक शूटिंग के टाइम में ऊपर तराफा पे ऊपर चढ़ना, शॉट लगाना, और मैं इतना क्विक एंड निम्बल फुटेड थी, धड़ाधड़ ऊपर चढ़ जाती थी तो फिर सब लोग देखते थे. जब इवन डॉक्यूमेंट्रीज में हम जाते थे तो इंडस्ट्रियल शूटिंग एंड ऑल, वो बड़ा बड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता था. एंड ऐसा लगता था कि मैं डायरेक्टर हूँ या स्टंट क्वीन हूँ, जैसे लोग कब काम बंद करके देख रहे हैं ऐसे ही मैं, बिकॉज लोगों को आदत नहीं है. लेकिन अब भी काफी बदल गया है. इतनी सब आपने कई चीजों, महिलाओं के मुद्दों पे काम किया है, फिल्में बनाई हैं, आप अपने आप को एक क्रूसेडर कहेंगी विमेन्स राइट्स के लिए? I don't know, क्रूसेडर तो मैं क्या कैसे कह सकती हूँ, अगर कहना है तो कोई और कहेगा, लेकिन मुझे तो आई रियली फील like doing all this and speaking out and because I have been privileged. तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने खुद बैठी हो रहूँ, खा पी के मर जाऊँ, मुझे because that's not, कुछ करना चाहिए. और I am driven by that and मुझे लगता है मेरे फिल्मों में, मेरे निजी जिंदगी में, my life जिसको मिलती हूँ, if you can make that little difference, you know, क्योंकि क्या जिंदगी के सफर में बहुत कभी मैंने खुद कितने कुएं में से पानी पिए हैं, कितने पेड़ों की छाया से मैं यू नो आनंद लिया है. सो इट्स लाइक अ जर्नी एंड इफ यू कैन मेक अ डिफरेंस, बिकॉज सो मेनी पीपल हैव मेड अ डिफरेंस इन माय लाइफ. हर वक्त कोई ना कोई था उधर सपोर्ट के लिए, कोई यू नो, सो दैट वे इफ यू कैन मेक अ डिफरेंस एंड पीपल जस्ट ग्रो, इवेंचुअली एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी. बहुत अच्छी बात कही है आपके. आपके इस ड्राइविंग फोर्स के बारे में हम बातें जारी रखेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. स्वयं में आपका एक बार फिर से स्वागत है. हम बातें कर रहे हैं फिल्म निर्देशिका अरुणा राजे से. अरुणा जी, आपकी अब नई फिल्म पे आप जिस पे काम कर रहे हैं वो है खाजुराहो.
मैं जानना चाहूंगी इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। एक्चुअली काफी सालों से मुझे क्या बहुत दिलचस्पी है रिश्तों में, स्पेशली मर्द और औरत के रिश्तों में, और मुझे पता चला कि सेक्स इज देयर एंड इट्स अ वेरी एट द वेरी बॉटम एंड इट डिटरमिन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स जो रिश्ता बनता है शादी में या कोई और, इसमें मर्द औरत का क्या है। एंड उस अनदर थिंग दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाज खजुराहो, वहाँ मंदिर है, मंदिर में ये इरोटिक स्कल्पचर्स क्यों हैं आउटर वॉल्स ऑफ द इनर सैंक्टम में, ये आप गई खजुराहो? हाँ, मैं काफी साल पहले गई थी, तभी से एक बैकग्राउंड में था ये सब, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द रोल, और इतना सब छिपी छिपी बातें होती, सेक्स बोले तो सब लोग चुपे हो जाते लेकिन उसके अलावा चलता भी नहीं, और ये क्या चीज है क्या। सो मुझे एक बहुत क्यूरियोसिटी थी और मैं डेवलप करने के लिए, और मुझे कुछ समझ में आई कि व्हाट इज द इक्वेशन बिटवीन लव सेक्स एंड गॉड, सो दैट इज व्हाट द फिल्म इज अबाउट। आपकी खोज में आप कहां तक पहुंची, आपको क्या लगता है व्हाट इज दिस इक्वेशन? अभी एक्चुअली फिल्म में तो आपको पता चल ही जाएगा कि मुझे लगता है कि सेक्स इज ऑल्सो अ पाथवे टू गॉड, एक रास्ता है भगवान की तरफ, और इट इज अ मोस्ट नेचुरल थिंग। अगर हम लोग प्रोटेस्ट करें या सेक्स नहीं होना चाहिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता अपने आप को, इनवेरिएबली वॉट एवर सोसाइटी सेज पीपल इंडल्ज, तो व्हाई इज दैट, इट्स बिकॉज इट्स अ मोस्ट नेचुरल थिंग। क्योंकि जब मुझे लगता है कि व्हेन यू आर the person is right, the place is right, the time is right, and between the two man and woman are in union, ek ho jate, ek mein bilkul lean ho jate, to actually Paramatma ka, that it's a spiritual experience. Because tabhi aapko, when you're fully given in surrender, when you're fully given yourself, you don't know your name, you don't know your address or telephone, you don't know nothing. You are completely lost to the world. At that point, you are in touch with something beyond yourself. आई जो होता है मैं, वो खत्म हो जाता है, दैट आईलेसनेस में यू एक्चुअली टच दैट पॉइंट ऑफ सेल्वेशन लाइक गॉड। व्हाई मलिका साराभाई, आप इनको पहले से जानती थी? नहीं, मैं नहीं जानती थी एक्चुअली, ये तो फिल्म्स डिवीजन ने मुझे करने को कहा था, चूज किया था, एंड दे सेड वुड यू लाइक टू मेक अ फिल्म, आई सेड यस, और आसान नहीं था, लेट मी टेल यू, वो बनाने में आसान भी नहीं था क्योंकि मलिका इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, और मैं सोच रही थी अभी हाउ डू आई ब्रेक थ्रू। And then there's one point I persisted and we were actually, able to break through. And that's when the film really happened. Otherwise, I said, ki, she's busy, she's doing this. I know she's doing 100 things, but who is the real Mallika? Mallika kaun hai? Kya hai wo? And wo main khoj rahi thi. Or then I had a breakthrough in that. And I think when she got that, I was there not to just make any film just like that. And I really wanted to know and really wanted to explore, so she was been part of the whole thing, and then we could actually, even with in fact they have become like, Mallika and her mother Amma, they are like so close to me now, and I feel ki there's a dislike having, it's another home there, I can always go back and talk to them and be with them, and bahut acche dost ban sake. एक और जो आपके बहुत करीब थे हमने सुना है, वो थी स्वर्गीय अस्मिता पाटिल जी। हाँ। आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत बहुत उनके बारे में कुछ, उनके साथ बिताए कुछ यादगार क्षण हमें बताएंगे आप? स्मिता के सोच, इट वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वो ऑलरेडी शी वाज डूइंग सो वेल, बहुत क्योंकि बहुत सेंसिटिव थी, बहुत ही सेंसिटिव थी, और एक्टिंग केम सो नेचुरली टू हर, एंड बहुत अच्छी अच्छी ह्यूमन बीइंग थी। जब मेरी बेटी को कैंसर हुआ था एंड शी वाज डाइंग, तो वो काफ़ी मेरे साथ होती थी। फिर उसके बाद में जब मैं अकेली हो गई, जब मेरे पति ने भी मुझे छोड़ा, तभी भी मेरे साथ थी, वो बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी। और अभी स्मिता की माँ मेरी माँ जैसी है, बहन मेरे बहनी जैसे हैं, एंड मेरे लिए बहुत प्यार छोड़ गई है, वो गई फिर भी। ऐसे समय में कोई किसी का सहारा होना बहुत जरूरी है, और उन्होंने आपको ये सहारा दिया। आपने अभी कुछ समय पहले बताया कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी उतार चढ़ाव बहुत थे जब स्मिता जी आपके साथ थी, आपका साथ दिया। तो ऐसे में उनके साथ के अलावा वो कौन सी शक्ति थी जिसने आपको मदद की उस सब से उबरने की? आप उस समय तो बहुत हताश हुई होंगी। हाँ, क्योंकि पहले तो बेटी का खोना,
जी, ये तो वो तो बहुत ही दुखद, बहुत ही उस माँ के लिए तो सबसे ज्यादा दुखद चीज वही हो सकती है। उससे ज्यादा टॉर्चर मुझे नहीं लगता या पेन कोई और हो सकता है। जी बिल्कुल, कोई बट कैंसर से एक साल शी वाज सफरिंग। देन उसमें मेरे पति जो थे वो मेरे फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हो गए एंड एक साल के बाद मेरी बेटी मर गई और 24 घंटे के अंदर उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट अ डिवोर्स। मैं तो कम्प्लीटली डेवस्टेट हो गई, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। उसके बाद जीना तो पड़ रहा था, मैंने डिवोर्स मांगी तो मैंने ना बोला पहले, फिर हाँ बोला, बट मैं खड़ी रह गई। फिर मेरा बच्चा था उसके वास्ते, मुझे छोटा लड़का भी है, हमारे दो बच्चे थे, एक लड़की और लड़का, और लड़के के लिए मैं खड़ी हो गई। और फिर पहले ना बोला फिर हाँ बोल के फिर डिवोर्स दे भी दिया और मेरे बच्चे को लेके, लड़के को लेके मैं अपने दूसरे घर में आ गई। एंड आई वर्क सो हार्ड। मुझे पूरा ये था कि कंसंट्रेशन अभी मेरे बच्चे को बड़ा करना है, उसको अच्छा इंसान बनाना है, बट एट द सेम टाइम आई वाज वेरी क्लियर आई एम नॉट गोइंग टू बी एन इमोशन बर्डन ऑन माय सन। सो ये सब था, मैंने बहुत बहुत मेहनत की। बहुत बढ़िया, आपने इतना सहन करने के बाद भी इस मुकाम तक आज पहुंच पाई हैं आप, ये मेरे मुझे ज़रूर लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए एक प्रेरणा ज़रूर होगी। आपसे बातें अभी जारी रखेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वयं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं जानी मानी फिल्म निर्देशिका अरुणा राजे से। अरुणा जी, एक और चीज जो हम आपके बारे में जानते हैं वो ये है कि आप लाइफ थेरेपी से जुड़ी हुई हैं। हाँ। इसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगी एग्जैक्टली है क्या? यू नो आई जस्ट आई टेक चांसेस रिस्क इन लाइफ, यू नो मुझे आई हैव दैट स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। सो दिस वाज अनदर एडवेंचर। वन डे अ फ्रेंड ऑफ माइन सेड तू पास्ट लाइफ करेगी क्या? आई सेड श्योर इमीडिएटली, यू नो दो सेकंड नहीं लगा श्योर बोलने को। ही सेज तू डरती वरती तो नहीं? आई सेड डरने की क्या बात है, जो भी है सो है। पास्ट लाइफ करेगी मतलब क्या? पास्ट लाइफ उसका मतलब था कि तू पुनर्जन्म अपना पिछला जन्म देखना चाहेगी क्या? अच्छा, ओके। तो आई सेड श्योर, तो हम लोगों ने किया। और एक्चुअली पिछले जन्म में मुझे कुछ ऐसे किस्से समझ में आए कि मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ था। उसके बाद नाउ आई हैव सो मच फ्रीडम विद इट। मुझे ना माय बैक प्रॉब्लम इज रिजॉल्वड। द फनी पार्ट इज, प्रॉब्लम कैसे ठीक हुआ? By actually going back to that situation and dealing with it. एक situation में तो as a child I was abused by my stepfather. That was in Europe, maybe in France, and I was killed. I broke my back. He pushed me from a cliff or something. मैं गिर के मेरे you know broke my back. Then दूसरे इसमें मैं एक soldier थी, again in Europe. एंड मैंने बहुत लोगों को मारा इस लाइफ में। मैं इतनी हार्मलेस क्रिएचर हूँ, चींटी मारने को भी मुझे तकलीफ होता है या कॉकरोच मारने को, लेकिन मैं तलवार, ऐसे ब्यूटीफुल तलवार था, हैंडसम यंग सोल्जर, मैंने बहुत लोगों को मारा था। सो मुझे समझ में आया कि तभी मैं, किसी ने बंदूक चलाई और मेरे पीठ पे गोली लगी और मैं गिर गई। और वही जगह थी जहाँ, और मैं साइन ऑफ द क्रॉस कर रही थी, जीसस लॉर्ड फॉरगिव मी मैं करने लगी। And then they said, can you forgive yourself for having done whatever? Because soldier का धर्म था हम लोगों को मारना, दुश्मनों को मारना। मैं तो मारी थी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था किसी को भी, किसी को एक्चुअली खोज के देखो, आई डोंट थिंक बुराई करने में किसी को अच्छा लगता होगा। वो मजबूरी से कर डालता है जो भी है। लेकिन तभी मैं कंप्लीट हो गई और मेरा प्रॉब्लम अभी बैक प्रॉब्लम निकल गया। तो क्या इससे अगले जन्म में क्या होने वाला है ये भी पता लगता है? ऐसे लोग बोलते हैं, मैंने तो उधर देखा नहीं क्योंकि मुझे यू नो एज थेरेप्यूटिक इसमें से मैं देखती हूँ, फायदा देख रही हूँ। सो हम लोग ऐसे क्यूरियोसिटी के लिए नहीं करते, और अगर जानना जरूर, शायद लोगों को मिलता भी होगा, करते होंगे, बट लेकिन मैं तो नहीं उसमें जाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। आप हमारे पास आई स्टूडियो में, हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी आपको शुभकामनाएं देती हूँ, आप जीवन में और आगे बढ़ें। मैं आपको शुक्रिया देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये मौका देने के लिए, बातें करने के लिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। इंसान में परिस्थितियों के दबाव के बावजूद अपनी प्रतिभा को जीवित रखने की हिम्मत होनी चाहिए। अरुणा की तलाश सिर्फ अपने वजूद की ही नहीं थी
बल्कि वे औरत के दुख दर्द को उसके पूरेपन में लोगों के सामने लाना चाहती थी और उसी ने शायद उन्हें जिंदगी को और अपनी कला को जीवित रखने का हौसला दिया। वो किसी ने कहा है ना, जब सामने जीवन समर फिर जीत क्या और हार क्या, जब सामने सागर पड़ा फिर नाव और पतवार क्या, सागर है संसार अगर गोता लगाना है मुझे, तुम तीर को तरसा करो मेरे लिए मझधार क्या। नमस्कार।